हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो सुबह तो मेरी कब की हो गई थी, फिर भी वैसे थोड़ा हम लोग लेटे पड़े थे क्योंकि आज मौसम बड़ा बेमान है। बहुत ही प्यारा मौसम हुआ, अभी हल्की हल्की से बारिश चालू हुई। कैसे मैंने बोला कि जाओ नाश्ता लेके आओ, मन कर रहा है, मन तो कर रहा है कि हम सुबह तो नाश्ता ही करना है, तो मेरे नाश्ता करने का जाओ तुम लेके आओ। जैसी कैफ पैंट वैंट पहने और जैसी उतरने के वैसी चालू हो गई। ये थी वहाँ पर वडाला साइड में, और जैसे कि आपने दूर से ही देखा और रुक गए, फिर रुक के फिर फटाफट पैंट वैंट चेंज करे, फिर ट्रैक ट्रैक पहने। कैफ को लगा कि मैं अंदर लेटी पड़ी हूँ तो मैं आऊँगी नहीं बाहर, फिर मैं आई अभी बाहर आके। अभी मैं चाय वाय चढ़ाऊँगी फटाफट से, क्योंकि कैफ आएंगे फिर चाय चढ़ाएंगे फिर ये वो। तो मैंने बोला कि आज मैं, अब मैं अलहमदिल्ला थोड़ी बेटर फील कर रही हूँ तो मैं थोड़ा कर लेती हूँ, है कि नहीं। और माशाल्लाह से मैं भी थोड़ा आप लोग की दुआओं से, आप लोग के प्यार से बहुत बेटर फील कर रही हूँ। मेरे से चीज़ें हो पा रही है, बराबर से काम हो पा रहा है, सब कुछ हो पा रहा है, तो अच्छा लग रहा है मुझे और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये ऐसा कसम से ना इतना सुकून लगता है ना यार, कभी कभी गाइस जैसे बारिश होती थी, ठंडी ठंडी हवाएं चलती, बहुत अच्छा लगता है, कसम से बहुत प्यारा लगता है मौसम। पर ना कभी कभी बुरा भी ये चीज़ का लगता है कि यार जो स्ट्रीट डॉग्स और स्ट्रीट कैट्स है ना, उन लोगों को बहुत तकलीफें होती है यार, बस बुरा वो चीज़ का लगता है। बट बोलते हैं ना, ऊपर वाला कहीं ना कहीं सबके लिए एक रास्ता निकाल ही देते, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं से एक रास्ता तो निकाले ही होगे। तो बस फटाफट जाती हूँ, चाय वाय चढ़ाती हूँ। और देखो यहाँ पर कैफ ने ना गेहूँ डाले थे, तो गेहूँ डालने के बाद तो ऐसी घास उग गई है, क्या मालूम क्या, अब यहाँ पर खेती करने की बारी आ गई। और ये हमारे मिर्ची का जड़ है ना, माशाल्लाह से सही हो गया, फूल छोड़ दिया, और ना कली भी आ गई थी। तो पता नहीं कौन है, चूहा है या फिर ये कबूतर लोग भी हमारे यहाँ पर आके ना इसको खोदते, पता नहीं अभी कौन काम कर रहा है। मस्त लग रहा है यार, बस लोना लग जाना है। सो गाइज एक सेकंड रुक जाइए, मुझे नहीं लगता आवाज़ आ रही होगी क्योंकि फ़ोन प्लास्टिक में है एक मिनट। हाँ सो गाइज अभी मैं गया था कुछ बेकरी गया था मैं नाश्ते के लिए कुछ लेने के लिए, पाव वगैरह। और बारिश बहुत ज़ोरदार हो रही थी, तो उतने में जैनब दीदी का कॉल आया कि कैफ अगर तुम वहाँ से निकलोगे तो आते आते घर होते हुए आना। तो घर पे गया, देखा तो मैं दीदी ने बनाया फूरन पोली, क्योंकि अभी फटाफट ऊपर घर पे पहुँचता हूँ। बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है और ये एक डेढ़ घंटे की बारिश के अंदर ही ना पूरा पानी भर चुका है अभी यहाँ से सब जगह। अभी इसको खाना डालते हुए आया हूँ, फिर भी देखो क्या हुआ। चलो ठीक है, जब आपसे घर पहुँच के बनाए। सो गाइस ये देखो हमारी इंडियन रेलवे जा रही है यहाँ से, अब मैं शोले पिक्चर बनाने वाली हूँ इस पे। ये पता है ब्लैक ऑयल है गाइस, ब्लैक ऑयल देखो लिखा हुआ भी है ना, महंगा आता है ना ब्लैक ऑयल, ये देखो ब्लैक ऑयल काला तेल, मैं आदमी की तरह काला तेल। कौन है ब्लैक ऑयल जा रहा है गाइस, ब्लैक ऑयल। चलो गाइस हम स्मगल करते हैं ब्लैक ऑयल, देना जरा आना, फटाफट पकड़ दो, फटाफट। तो गाइस अभी जाके बारिश रुकी है थोड़ी सी, देखो पूरा फॉग हो चुका है, कैमरे में तो इतना कैप्चर नहीं हो रहा है बट पूरा फॉग हो चुका है। और अभी बस मैं थोड़ा, मैं अचानक से मेरे को ना पता नहीं डॉक्टर ने जो गोली दी है वो गोली खा के ऐसी नींद लगती है कि क्या बताऊँ। मैं सोई थी अभी, मेरे मम्मी का फ़ोन आया, अभी देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं, क्योंकि मेरे को हॉस्पिटल भी जाना, अभी बज रहे हैं 4 बज रहे हैं कुछ, तभी जुमेरात भी है तो अभी फटाफट ला दिया दीप पोछ वोछ के लुबार ये सब करके फिर निकलते हैं डॉक्टर के यहाँ पर। तो यार ये मौसम बड़ा सुस्त कर दे रहा है। तो गाइस जब आदमी को काम बोलो ना तो आदमी ऐसे शादी करो बहुत फायदे, आराम करने लगता है, आराम ऐसी जिंदगी आराम। गाइस कैफ यहाँ पर लोबान कर रहे और मेरे को खिड़की में बंद कर दिए, मेरे को बाहर बंद कर दिए, बोले खिड़की बंद कर, चिल्ला के बोले। और
अरे खुली हूँ खुली हूँ खुली हूँ, टेंशन मत। और ये मौसम क्या पता, लोगों को कंटेंट चाहिए कंटेंट चाहिए। अब हमारा कंटेनर यहाँ पर निकल रहा है और लोगों को कंटेंट चाहिए। अब क्या बोलूँ मैं लोगों को। गाइस ये आंटी क्या तोड़ रही है यार, वो झाड़ से समझ ही यार, और ज्यादा ज़ूम भी नहीं हो रहा है मेरे फोन से। ओ आंटी क्या तोड़ रहे, देख तो रही है पलट पलट के, क्या है ये तो है। ओ आंटी क्या है झाड़ में, क्या है, क्या है झाड़ में, है कर रही है मैं कौन थी, झाड़ में क्या छुपा रखा है। ये देखो पत्ते भी तोड़ रहे। वाह आंटी क्या पत्ते स्टाइल में तोड़ रहे यार, आंटी भावी नहीं दे रही। सोचो गाइस मेरी आवाज में कितना जोर है, मेरी आवाज कहाँ तक गई है। सलाम अलैकुम गाइस, देख सकते हो यार चुपी ने क्या कर दिया है, ऊपर की पूरी सीलिंग ही जला दी है, वहां रख रख के पूरी सीलिंग जला दी है। देखो कैसे धुआं फैल रहा है। तो गाइस हम लोग फाइनली आ चुके हैं हॉस्पिटल और थोड़ा से निकलने के लिए अभी शुरू नहीं, हाँ नहीं किया क्योंकि ब्लड टेस्ट जो मेरा था वो हो गया था, जो एक हफ्ते के बाद आने वाला था, तो वही दिखाना है डॉक्टर को। तो आप लोग से पहले बाद में मिलती हूँ, पहले डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा। तो गाइस अलहमदिल्ला रिपोर्ट सब डॉक्टर ने नॉर्मल बोले, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ चीज़ से। और अपना क्या नाम है, हम पहले ATM गए थे, ATM से थोड़े बहुत जो कैश थे वो निकाल लिया, और अभी आए हैं फ्रूट मार्केट, क्योंकि मैं कैब को पिछले कितने दिन से बोल रही थी कि मेरे को फ्रूट मार्केट जाना है। तो फाइनली आ चुके हैं, अभी देखते हैं मेरे को जो जो फ्रूट चाहिए वो मुझे मिलते हैं या नहीं मिलते, तो लेट्स सी। चलो फ्रूट ले लेते हैं थोड़ा बहुत, क्या क्या खाना है मुझे, मेरा मन जो करेगा मैं वही करूँगी। तो और पेरू भी ले लिया बच्चे लोग के लिए, इस तरह फ्रूट करो ना, और पेरू ले लिए बच्चों के लिए। तो यहाँ पर फ्रूट देखते हैं, कैसा किलो है, 220 या 120, 220, बाप रे बाप। और अंगूर वही रेट है, उस दिन भी वही था यार। आधा पौना किलो रहेगा, 800 ग्राम, 800। इतना महंगा क्यों है अंगूर, भाई माँ तो हमको लेके आती थी तब मालूम ही नहीं पड़ता था इतना महंगा। पीच भी आया ये खरबूजा पका मीठा है, अगर पक्का है तो ही देना चाचा, नहीं तो नहीं देना। चलो गाइस ये ले लेते हैं फ्रूट वगैरह, फिर आगे देखते हैं और क्या देखना है, फिर मिलते हैं। कितने का है, 120 के 3 कीवी, इतने महंगे हो गए ना फ्रूट्स, बाप रे बाप। फिर 220 रुपीस केजी। गाइस आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपके एरियाज में क्या क्या रेट चल रहा है अगर कोई फ्रूट्स लेने जाता है तो। वन ऑफ माई फेवरेट, अरे हाँ तुम भी ले लो ना। मैं नहीं खाऊंगा लेकिन अकेला, मैं नहीं खाने वाला अकेला, तो नहीं तू नहीं खाती है, नहीं नहीं आलू बुखारा मैं खाती हूँ, कब से अभी खा लूंगी तुम्हारे साथ से, मैं तो वो भी खाता हूँ बहुत शौक से। तो बोलो ना चाहिए तो जाने, नहीं रे बाबा तुम तो माले कुछ कभी लेते ही नहीं हो, मेरे को ये बात ठीक है, तेरे को मालूम मैं घर में बैठ के कुछ खाता ही नहीं हूँ, बाहर का चस्का है ना मेरे को। ये भाई आदमी के चक्कर में ना भाई
अब ले रही है, खाएगी कुछ भी नहीं उसमें से। मेरे को मालूम था। चलो अभी इतना लिया है फ्रूट्स वगैरह, ठीक है, पीचेस। तो अब क्या है, ये फाइनल करके फिर आप समझ लो। बाहर से अंगूर ले ली लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, तो अंदर पूछना ज़रूरी है। यहाँ पे मार्केट में दूसरी जगह, यहाँ पे 450, वहाँ पे 400 रुपीज़ किलो, यहाँ पे 450 रुपीज़ के जी। हाँ तो वो दोनों एक आजू बाजू के ही है ना। ब्लूबेरी चाहिए? नहीं, तू नहीं खाती है। चले आगे, होता तो बोलना नहीं पड़ता। ये इसीलिए पिया देंगे वजह से ना, सब लोग को हम लोग बेनों में कंफ्यूजन हो जाता है। कितने गए हो? कितने है? 400 ग्राम 40 रुपए ना। तो इतना महंगा दे रहे हैं भैया? नहीं यार, अभी सब सीजन ऐसा है तो सब कमाने के लिए बैठे, अभी किसी को ना नहीं बोल सकते। कैमरा कमाता आदमी तो वहाँ पे भी दिखा रहा था बाजार। खुजली मैं ले लूँ क्या मेरे लिए कुछ? अरे तुम्हारे को पराठा चाहिए? हाँ मैं वही बोलने लगा, बट जाएंगे कहाँ यहाँ से अभी? हाँ तो पहले आम लेते हैं। ठीक है, देखे गाइस फायदे शादी करने के बाद फुकट का खाना मिलता है इसी। हाँ चिरिन, चिरिन क्या चाहिए? यहाँ पे कुछ भी काम करनी है, आगे चल। गाइस प्लीज कमेंट करके बताना इसको क्या बोलते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। क्या खजूर है? खजूर ना, एक किस्म का क्या खजूर ही है वो। तेरी आवाज चिरिन, ये अगर मैं तेरे सर पे मार दूँ तो एक आध उठा के फ्रैक्चर पंडिया बन जाएगी रे तू तो। कह रही हो तो लेना। हाय अंकल। चल चल आगे चल, पनस नहीं लेना। पनस नहीं हाँ भाई, आम कैसा दिया कोने? गाइस एक तो ये आधा ना, इससे बाजार में घूमो ना तो यही परेशानी है कि इसके गांव वाले उससे मिल लेती है तो वही गांव वाला एक्सीडेंट पकड़ लेती है, है ना? आधा तो बेचारे सामने वाले परेशान हो जाते इसकी। नहीं हमको लूटोगे क्या? कैसा बोल बोल, कैसा बोलती बोल? बदइयों वालों को लूटोगे हाँ? किसी दिन कोई सटका मिला ना, आम ही सर पे मार देगा उठा के। नहीं बोलेंगे, हमारे बदइयों वाले बड़े प्यारे होते हैं। कह दो भैया, कभी गई थी क्या? गई हूँ बचपन में। बचपन में ना? सब बदल गया बोलते हैं वहाँ पे। हाँ अभी अभी वो बोल रहे कि तू आना नहीं। तो गाइस इसने आम ले लिए चौसा। ये हिम्मत कर मारू चुप। चलो अभी देखते हैं और क्या चीज। बिना मतलब का कुछ लेगी तो नहीं भाजियों में, छोटी मेथी देगी तो पागल हो गई है। चल यार करमुआ करमुआ करे मुआ, यूपी वाले जानते हैं इसको। देखा यहाँ भी मिल गए हमारे वाले। पानी में होता है ये, ये देखो इसको निकाल के भाजी की तरकारी बनती है। आलू डाल के फटकरास बनाओ। आलू डाल के समझी, तो कब बनाएगी? टेस्टिंग भी होती है ये तो, हमारे भाईजान वाली बात कर ली है। हो गया लेने वाली कुछ नहीं। मेथी की भाजी है बहुत प्यारी। हाँ सबको मालूम है, बनाने नहीं लेते यार। ठीक है, जबकि मेरे को इतनी पसंद है वो भी। वो पसंद है तो अभी क्या, अभी क्या पुलाव? अभी पुलाव पुलाव नहीं नहीं, वो ताजी ताजी लेने का, ताजी ताजी खाने का, लेके रख के बासी खिलेगी। अरे मतलब अभी रखेगी? अरे चल रे, बेबी कौन चाहिए क्या? चलो ठीक है गाइस, हो गया है पूरा मार्केटिंग। अब निकलते, बच के गया बेचारा। अब घर के लिए रवाना होते हैं, घर पहुंच के आपसे मिलते हैं हम लोग। ठीक है, बने रहिए वीडियो में। तो गाइस हम लोग ने ये लेमन राइस का पाउडर लिया है, लास्ट टाइम भी शिरिन ने लेके बनाया था तो बहुत अच्छा लगा था। तो अभी शिरिन ले रही है यहाँ पे जाम। और इसका भाव बताओगे जाम का?
₹85 पाव किलो। अब मैं ज़्यादा झाड़ में तो नीचे कैसे उठाटा के लिए तो कितने तो मांगता है। चलो अभी ये ले लेते हैं जाम, इसके आगे अभी देखते हैं अभी और कहाँ रुकेगी क्या लेने के लिए। अगर रुकते तो मैं आपको बताता हूँ, नहीं रुकते तो डायरेक्ट घर पहुँच के मिल जाता। तो गाइज ये लड़का है ना, अब पहली बात तो गाइज हम लोग आ गए ज़ैनब दीदी के वहाँ, ठीक है। मुझे नहीं लगता शिरीन ने घर आकर यहाँ पे शूट की होगी कुछ भी, तो मैं आपको बता दूँ हम लोग आके टाइम हो गया और बिरयानी खाया। हाँ बिरयानी भी खाया हम लोग ने। तो और ये क्रॉप टॉप पहन के रेनकोट पहन के अभी कहाँ जा रहा है? इधर किधर किधर? अरे दुकान का नाम क्या है? दुकान का नाम क्या है? तो अभी ये नेचुरल जा रहा है इसकी अम्मी और अब्बू के साथ, तो अभी ये फटाफट जाके आएगा, फिर आएगा तब हम लोग आपसे मिलते। तो गाइस देखो ये लड़का बाइक पे फाइन लेके आया और क्या बोल रहा, कैसा बोल रहा, वापस करके बता। हम क्या कर सकते फाइन लेके, और अभी नेचुरल की आइसक्रीम लेके आए और पहले खुद ही चट रहा मेरे को दे। अच्छा क्या करेगा अभी फाइन बढ़ गई तो? हम क्या कर सकते सो गाइस ये सब फ्रूट्स हमने लाए हैं बरी के लिए। मेरे पे भोग चढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे वाटरमेलन, मस्क मेलन, मैंगोस, पेयर्स, ऑरेंजेस, बनानास, लीची, बनानास स्मॉल वंस, या लीची, देन वी हैव जाम, कीवी एंड सम ग्रेप्स। यप, तो ये सब हमको फ्रूट्स मिले हैं कितने के शिरीन? ये सब फ्रूट्स मुझे 800 रुपए के मिले। तो प्लीज नहीं जानी इसको छोड़ के, आम को छोड़ के रे, आम को और ये जाम को छोड़ के, आम और जाम दोनों को छोड़ के, इतना महंगा क्योंकि जाम 50 रुपए का आया और आम 200 रुपीस का आया, और ये सिर्फ ये दो, एक कलिंगड़, एक खरबूजा, पैर और हाथ, और बारिश के मौसम में गाइस फ्रूट्स जल्दी मिलते नहीं है और बहुत रेयरली मिलते अच्छे फ्रूट्स। मुझे ये चीज पे मैं आपत्ति हूँ। हाँ आपत्तिजनक वाला शॉट है, क्योंकि फ्रूट आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब मार्केट में आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि फ्रूट्स नहीं आ रहे। ए भाई देख जाने वाले पैसे कैसे भी जाते हैं, ये बक्का भी मत करो। क्या बोल सकते हो गाइस, अब देखो मेरे को उंगली कर दो फिर तुम में टेंशन में आ। अब ये फ्लैश मेरी आंख पे मारी ना, मैं यूं 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 हो जाऊंगा थोड़े टाइम में। ठीक है एंड कर लो ब्लॉग का। ठीक है गाइस एक मिनट। क्या कर रही है तू, क्या पागल हो गई है? सो गाइस फ्रूट्स के बारे में तो बता दे, और आज ज्यादा कुछ। अरे तूने वो भी ली मकई? हाँ 45 रुपीस का 450 ग्राम्स दिया उसने, पूरा आधा किलो भी नहीं दिया, 450 ग्राम्स दिया सिर्फ उसने और कुछ नहीं। तो इसके अलावा और कुछ इतना कुछ खास है नहीं आज क्या, ठीक है जो भी था हमने आपको चीज बता दिया। हाँ डॉक्टर का रूटीन चेकअप सब सब खैरियत है, ऑल इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह, रिपोर्ट भी नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब से थोड़ा जैसे मैंने आपको बोला था पिछले व्लॉग में कि थोड़ा खाने पे इंशाल्लाह शिरीन का हम कंट्रोल करवाएंगे, थोड़ा डाइट पे फिर से ध्यान दिलवाएंगे, और लेट नाइट हमने आपको बोला था हम नहीं भटकेंगे, तो हम ज़ैनब दीदी के यहाँ से डायरेक्ट घर आ गए। yes, घर आ गए, खा वा के मस्त खाए, बस आए अभी थोड़ा फ्रूट खाएंगे, हेल्दी चीज़ खाएंगे, गोली खाएंगे और सो जाएंगे। खाएंगे मतलब काट के दूंगा तो तू खाएगी ना? खाएंगे, मेरे पास बहुत ऑप्शन है खाने के लिए, मेरे पास भी ऑप्शन बहुत है। अकबर अकबर खाना है ना, हम अच्छा है अच्छा तो पैसा फेंक के मारूंगी। हेंगी से तो यही खत्म होता आज का हमारा ये दिन। उम्मीद करते तो बदल गए ना, फूलों की टट्टी और सुसु में ना मेंढे के यूरिन और पोटी की बात आती है। गाइस प्लीज इग्नोर ऑल, ठीक है।
तो बस गाइस यही खत्म होता आज का हमारा दिन। हम कंफ्यूज है कि कंफ्यूज इस बात के कंफ्यूज है कि हमारे जो बदक है वो बदक ही है या फिर स्वान है। स्वान नहीं है वो, लोग व्हाइट होता है स्वान, हमारे पिंक और है। हाँ भाई इनका तो लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा। ये लोग मोरी में रहते मस्त खाते पीते नहाते, उसके बाद जब सूखने का टाइम आता है तो पिंकिश पिंकिश हो जा रहे, पता नहीं क्या सीन है। तेरा बोलने का मतलब वो लोग पदोड़े। बस अभी एंड कर दूं। अरे जानू क्या हुआ, मैं तेरे को बाद में आके बताता हूँ। तो चलो गाइस बस यही का तो मतलब आज का हमारा दिन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल केएफ शिरिन व्लॉग्स। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ टेक केयर अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज गाइस। क्या भी इसके बोले गिला मत रखो यार।